देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। तवांग में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन का एक बार फिर से दो मुहा चेहरा सामने आया है। वो बार बार हमारी सरजमी पर अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, लेकिन हमारे वीर जवान उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। 9 दिसंबर को एक बार फिर से चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प हुई। चीन लगातार अपने नापाक चालों से पूरे विश्व के सामने हमेशा बेइज्जत हुआ है, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। ये झड़प 9 दिसंबर को तवांग के करीब हुई। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया है। सूत्रों के अनुसार झड़प में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। इससे पहले भी चीन कई बार भारत पर हमलावर रहा, लेकिन भारतीय जवानों ने उसके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे पहले कब कब हुई झड़प? साल 2017 डोकलाम में सेनाएं आमने सामने, सिक्किम भूटान तिब्बत ट्रांजेक्शन के पास डोकलाम के भूटान में झड़प। 73 दिनों तक चला था टकराव। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोका था। साल 2020 गलवान में जबरदस्त खूनी झड़प। 15 जून को 2020 को लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना के साथ संघर्ष, एक कर्नल सहित भारतीय सशस्त्र बलों के 20 जवान शहीद। भारतीय जवानों ने चीन के कई सैनिक मारे थे। गलवान में भारत चीन के बीच कई महीनों तक तनाव बरकरार रहा। साल 2021 में भी हुई थी झड़प। अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में चीन ने फिर किया विवाद। दोनों देशों के सैनिकों में विवाद हुआ था। इन आंकड़ों से वो तमाम दावे पुख्ता हो जाते हैं जिनमें कहा गया कि चीन विस्तारवाद की राजनीति करती है। चीन हमेशा अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगी रहती है, फिर वो चाहे जिस तरह से भी हो। अब एक बार फिर से चीन अपनी नापाक चालों की वजह से सुर्खियों में है। सेना के उच्च पद सूत्रों ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए के सैनिकों के साथ तवांग सेक्टर में एलएसी के पास झड़प हुई है। हमारे सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। इस सामने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि भारत की ओर से संसद में ये दावा किया गया है कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं इस गरिमामय सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमें अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। चीन और भारत की 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जमकर झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि चीनी सेना सोची समझी साजिश के तहत 300 सैनिकों के साथ यांगसे इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे। चीनी सैनिकों के पास कटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्रैगन को यह संदेश भेजा है कि कोई भी हमारी जमीन पर एक इंच का कब्जा नहीं कर सकता है। चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने
निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। चीन एक बार फिर अपने नापाक इरादों में नाकामयाब रहा। उसकी विवादास्पद की राजनीति को एक बार फिर हमारे वीर जवानों के सामने मुंह की खानी पड़ी। फिलहाल इस झड़प पर मीटिंग्स का दौर जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि भारत की ओर से क्या ठोस संदेश चीन को भेजा जाता है। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।